केतारी हम लोग पहले बैल से पेरते थे, इसके लिए दिमाग लगाया गया कि इसे भाई जल्दी कैसे हो। मोटरसाइकिल पर जुगा को जो है उसको बांध करके और इसका चलाने लगे तो देखे कि इसे कोई दिक्कत नहीं है, सहता और सुविधा माने कि इसको से चलाने में जल्दी पेर आ गया केतारी। यूं तो गन्ने के रस निकालने के लिए मौजूद समय में बहुत सारी आधुनिक मशीनें आ गई है, लेकिन इस बढ़ते आधुनिक समय में एक किसान ने सबको चौंकाने वाला काम किया है। दरअसल गया जिले के इमामगंज प्रखंड के बंदुहरी गांव में जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से गन्ना का रस निकालकर उससे गुड़ बनाने की चर्चा चौक चौराहों पर जमकर की जा रही है। इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय के साथ साथ पैसे की बचत हो रही है। पौराणिक तरीके से गन्ना के रस निकालने में आज परेशानी के साथ ही अधिक पैसा लगता है। इस संबंध में किसान विनोद प्रजापति, शालिग्राम कुमार, शिव नारायण प्रजापत और वासुदेव प्रजापत ने बताया कि लगभग एक घंटे से भी कम समय में कड़ा पेराई कर ली जा रही है। सहता और सुविधा माने कि इसको से चलाने में जल्दी फिर आ गया केतारी। किसानों की माने तो इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय के साथ ही पैसे की भी बचत हो रही है। हालांकि पौराणिक परंपरा से गन्ना की पेराई और जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पेराई से किसानों का काफी बचत हो रहा था। जहां किसान गन्ना पेरने वाले मशीन को लकड़ी के एक बल्ले से बाइक को जोड़ दिया है, उसके बाद बाइक के सहारे चालक के द्वारा चलाया जाता है और किसान मशीन में गन्ना लगाने का काम करते हैं, जिसके बाद रस निकलने का काम होता है। किसान जितेंद्र कुमार दांगी ने बताया कि बंदोहरी गांव के किसान के द्वारा जुगाड़ टेक्नोलॉजी से गन्ना की पेराई को देखने के लिए आसपास के गांव के किसान जुट रहे हैं। लोगों ने बताया कि इस टेक्नोलॉजी से समय के साथ ही साथ रुपए की भी बचत किसान कर रहे हैं। केतारी हम लोग पहले बैल से पेरते थे, बैल से पेरने में बहुत समय लगता था और इसके लिए दिमाग लगाया गया कि इसे भाई जल्दी कैसे हो। तो जल्दी होने के लिए हम मोटरसाइकिल पर जुगा को जो है उसको बांध करके और इसका चलाने लगे तो देखे कि इसे कोई दिक्कत नहीं है और सहता और सुविधा माने कि इसको से चलाने में जल्दी पेर आ गया केतारी। इमामगंज के बंदूरी में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से गन्ना की पेराई होने के बाद से इलाके के किसानों में जबरदस्त चर्चा का विषय बना है, जहां किसान दूर दूर से पहुंच रहे हैं। किसानों की माने तो क्रेशर से गन्ना का रस निकालने में 150 रुपए प्रति कराह लागत आता है, जबकि जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से 40 रुपए की प्रति कराह बचत हो रही है, जिसके कारण किसान इसको अपना रहे हैं। हालांकि इमामगंज में इस्तेमाल हो रहे इस तकनीक को देखकर जिले के दूसरे प्रखंड के किसान भी इस तकनीक को अपनाने को सोच रहे हैं, जिसकी चर्चा काफी तेज हो रही है।